Assalamualaikum dear students, the Lahore Garrison Junior and Upper School, Class 7, General Science, Chapter Number 7, Chapter Name, Sound and Hearing, Worksheet Number 2. With the name of Allah, let's start our today's lecture. I am science teacher from Girls Campus. Page number 89, topic is pitch and frequency. Firstly, we discuss the pitch. The pitch of sound means how high or how low the sound is. Pitch of sound ka matlab hota hai. The pitch of sound ki pitch means matlab how high kitni unchi or how low kitni nichi the sound is. साउंड है मीन्स के साउंड जो है वो हमारा कितना ऊंचा या कितना नीचा है, यानी कि हमारा साउंड कितना ज़्यादा लाउड है या कितना ज़्यादा स्लो है. सपोज मैं आपसे पूछती हूँ हाउ आर यू, मेरे साउंड की पिच ज़्यादा है. अब मैं आपसे पूछती हूँ हाउ आर यू, यहाँ मेरी पिच स्लो है. सो पिच ऑफ साउंड का मतलब होता है कि हम कितना ज़्यादा ऊंची साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या कितना ज़्यादा नीचा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारी पिच होती है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ रैपिडली द साउंड प्रोड्यूसर वाइब्रेट. इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है, ये मनहसर करता है ऑन हाउ, कैसे रैपिडली, जल्दी या तेज़ी द साउंड आवाज़ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करती हैं. वाइब्रेट्स, प्रोड्यूसर वाइब्रेट्स यानी कि वाइब्रेट्स को प्रोड्यूस करती है. डिपेंड्स करता है साउंड प्रोड्यूसर जो है, जिसके अंदर से हमारा साउंड निकल रहा है, वो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. जितनी तेज़ी के साथ वो साउंड प्रोड्यूस करेगा इतनी ही उसकी पिच हाई होगी, और जितनी वो स्लोली प्रोड्यूस करेगा उतनी ही उसकी पिच लो होगी. So this is the concept of pitch. Now how we can measure pitch? The pitch of sound is measured by frequency. Pitch of sound को हम frequency में measure करते हैं. Frequency क्या होती है ये भी हम पढ़ते हैं. Frequency का पहले मैं आपको basic मतलब समझाती हूँ कि frequency होती क्या है. Pause करें, मैं 1 minute का timer लगाती हूँ और इस 1 minute में मैं यहाँ पर सर्कल्स बनाती हूँ कुछ इस तरह से. 1 मिनट में ये रैपिडली यानी कि सेम एक जैसे ही सर्कल्स जो मेरे बन रहे हैं ना 1 मिनट में, वो मेरी फ्रीक्वेंसी है. यानी कि 1 मिनट में जितने भी सर्कल्स बनेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी. सपोज अगर 1 मिनट में 30 सर्कल्स बन रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि सर्कल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है. जितने टाइम एक वाइब्रेशन या एक चीज़ जो कि रैपिडली बिल्कुल एक जैसी तरह से बार बार होती जाए वो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. साउंड में फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज द नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन सेट अप इन 1 सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी इज द नंबर होती है ऑफ साउंड, साउंड का ऑफ साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन का सेट अप इन 1 सेकेंड, जो कि 1 सेकंड में सेट होती है. मींस 1 सेकंड में साउंड की जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी हमारी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी. अगर 1 सेकंड में हमारे साउंड की जो है 10 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम कहेंगे कि साउंड की 10 फ्रीक्वेंसी है. ओके, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी. सपोज 1 मिनट का हम टाइम लगाते हैं और हम अपने फ़ोन को वाइब्रेशंस पे लगाते हैं. अब हम इस वाइब्रेशन को 1 मिनट के अंदर अंदर अगर काउंट करें तो सपोज कर ले कि 75 टाइम वाइब्रेशन हमारे फ़ोन में हुई है तो हम कहेंगे हमारे फ़ोन की जो वाइब्रेशंस हैं वो 75 हैं. दैट मीन्स तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे फ़ोन की वो 75 है. ओके, इट इज़ मेजर्ड, ये मेजर की जाती है इन हर्ट्ज़. हर्ट्ज में, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है. हर्ट्ज के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था कि हर्ट्ज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ी थी. तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो भी हर्ट्ज होता है.
अच्छा, अब यूनिट क्या होते हैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। सपोज करें हमने शॉप पर जाकर चीनी लेनी है, तो हम उसके लिए उसको बोलते हैं कि हमें 2 kg या 2 किलो चीनी दे दें। तो जो किलो होता है ना वो यूनिट होता है, जो हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा होता है। अगर हम उसे कहेंगे कि हमें 2 चीनी दे दो, तो उसको क्या पता कि हम 2 दाने मांग रहे हैं, 2 किलो मांग रहे हैं, कितनी मांग रहे हैं। तो हम उसके लिए फिर यूनिट यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी को मैयर करने के लिए उसका यूनिट हर्ट्ज यूज़ करते हैं। द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड द हायर इट्स पिच, द हायर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी ऑफ साउंड साउंड की, द हायर उतनी ज़्यादा हाई होगी इसकी पिच, इट्स पिच इसकी पिच। मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो पिच भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे? जितनी ज़्यादा हमारी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होंगी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशंस है ना, तो जितनी ज़्यादा वाइब, और हमें पता है कि हमारा साउंड जो है वो वाइब्रेट करने से ही बनता है, तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी पिच बढ़ती जाएगी। जित ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी वो ज़्यादा टाइम हवा के जरिए ट्रैवल कर सकेंगे दूर तक, तो हमारी आवाज़ दूर तक जा सकेगी, लाउड हो सकेगी, तो हमारी पिच भी ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल ये है, व्हेन यू प्लग, प्लग का मतलब होता है खींचना। व्हेन यू प्लग द टॉप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है तार ऑफ अ गिटार, इट वाइब्रेट 660 टाइम्स अ सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज। व्हेन यू प्लग, जब आप खींचते हो द टॉप स्ट्रिंग गिटार के ऊपर वाली तारे ऑफ अ गिटार, गिटार की, जब आप गिटार की ऊपर वाली तारों को खींचते हो। गिटार का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने देखा हुआ है, बॉटम से उसमें नीचे से लेकर ऊपर सबसे ऊपर तक जो है ना गिटार पर स्ट्रिंग्स ही लगी होती हैं। तो जब आप ऊपर से जहाँ पतली जगह होती है वहां से स्ट्रिंग को खींचते हो ना, इट वाइब्रेट 660 टाइम्स अ सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड में 660 बार जो है वाइब्रेट करती है। तो इसका मतलब है द फ्रीक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो है वो 660 हर्ट्ज होगी, यानी 660 हर्ट्ज किसकी होगी, गिटार की टॉप स्ट्रिंग ऊपर वाली तारों की। व्हेन यू प्लग द बॉटम स्ट्रिंग, अब हम अभी तक हमने ऊपर पतले वाले हिस्से की थी, अब हम गिटार का जो इस तरह से नीचे से मोटा हिस्सा होता है वहां की स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं। बॉटम स्ट्रिंग इट वाइब्रेट्स ओनली 165 टाइम्स, वो सिर्फ 165 टाइम्स वाइब्रेट करता है आप फ्रीक्वेंसी ऑफ 165 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी 165 होगी। अब जब हम नीचे वाली तारों की को वाइब्रेट करेंगे, मीन्स हम नीचे वाली तारों को खींचेंगे, तो खींचने से उसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वो वाइब्रेशन 1 सेकंड में 165 बार होती है। इसलिए नीचे की तारों की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 165 हर्ट्ज होती है, ऊपर वाली की ज्यादा होती है और नीचे वाले की कम होती है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। ह्यूमन ईयर, इंसानी कान इज एबल, इस लायक होता है टू डिटेक्ट, के डिटेक्ट कर सके साउंड्स आवाजों को इन द रेंज रेंज में 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज में। इंसानी कान जो है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज के साउंड्स को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि हम ना तो 20 से नीचे की साउंड सुन सकते हैं ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के। हमने जितने भी साउंड, जितनी भी आवाज़ें सुननी है वो इसी में सुननी है। साउंड्स अबव 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। साउंड अबव, साउंड्स जो ज़्यादा होते हैं 20,000 हर्ट्ज से, आर कॉल्ड कहलाते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो 20,000 अबव से हमारे साउंड्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड्स कहलाते हैं। दैट मीन्स ये साउंड हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। यूजेस क्यों नहीं सुन सकते, इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी वजह ये है कि हमारे कान जो है ना वो इतनी ही सिर्फ सुनने लायक है,
अगर हम इससे ऊपर से सुनने की कोशिश करेंगे तो हमारे कान के जो पर्दे होते हैं, ईयर ड्रम्स होते हैं, वो फट सकते हैं, वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल साउंड होगा। दैट्स वाई हम 20,000 हर्ट्ज से हमारे कान ऊपर की आवाज़ें नहीं सुन सकते। यूजेस, अब अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या होते हैं? अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल की जाती है इन हॉस्पिटल्स में फॉर ब्रेकिंग डाउन तोड़ने के लिए किडनी स्टोन, किडनी की पत्रियां एंड गाल स्टोन, पित्ते की पत्रियां। गाल स्टोन का मतलब होता है पित्ते की पत्रियां, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कॉमन है ये, पित्ते की पत्रियां हो जाती है, लोग ऑपरेट करवाते हैं। विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जरूरत के बगैर। अल्ट्रासाउंड इज यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर ब्रेकिंग डाउन किडनी स्टोन एंड गाल स्टोन विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी। अल्ट्रासाउंड जो है हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है किडनी स्टोन को और गाल स्टोन को तोड़ने के लिए। इसको तोड़कर ही बॉडी से निकाल दिया जाता है अल्ट्रासाउंड को यूज करते हुए, और हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, आपको पता है कि जब ब्लास्ट होता है कहीं पे, ब्लास्ट की वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो दूर दूर तक फैलती हैं और खिड़कियां टूट जाती हैं, घरों की शीशे की खिड़कियां टूट जाती हैं। सेम एज इट इज ब्लास्ट इतनी तो ये लाउड नहीं होता है, बट ये इतनी लाउड होती हैं, इसकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि जब ये हमारी बॉडी के ऊपर अल्ट्रासाउंड मशीन रखी जाती है तो ये हमारी किडनी के ऊपर या गाल के ऊपर, तो ये इसके अंदर वाली पत्रियों को वाइब्रेट कर करके टुकड़ों में तोड़ देती हैं। फिर जब ये टूट जाती हैं तो ये हमारी बॉडी से मेडिसिन वगैरह खाने से इजीली बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट यूज अल्ट्रासाउंड इन इको साउंडर्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। शिप्स हमारी जो बहरी जहाज होते हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है। यूज अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करती हैं इन इको साउंडर्स। इको साउंडर्स बोलते हैं ऐसे साउंड रिकॉर्डर्स जिनके अंदर इको स्टोर हो, यानी कि जिनके अंदर से रिफ्लेक्टेड साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं। इको हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इको क्या होती है, रिफ्लेक्टेड साउंड। तो इको साउंडर्स ऐसे साउंडर्स जिनमें से रिफ्लेक्टेड साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। टू मेजर, पैमाइश करने के लिए या नापने के लिए दी डेप्थ, गहराई को ऑफ वाटर, पानी की। शिप्स अल्ट्रासाउंड को यूज करती हैं इको साउंडर्स में पानी की गहराई को नापने के लिए। एनिमल्स सच एज बैट्स एंड डॉग कैन डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड। जानवर जैसे कि बैट्स, चमगादड़, डॉग्स, ये अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स को इन साउंड को नहीं सुन सकते, बट ये एनिमल्स अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड अब क्या होते हैं? साउंड्स बिलो 20,000 आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। साउंड्स जो कि हमारे 20 हर्ट्ज से नीचे होंगे वो हमारे इंफ्रासाउंड होंगे। ये बहुत ही धीमे साउंड होते हैं, हल्के होते हैं, हम इंसानी कानों से इन साउंड्स को नहीं सुन सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए इन साउंड्स को सुनना। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? इंफ्रासाउंड इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक्स एंड स्टडी रॉक फॉर्मेशन। इंफ्रासाउंड इज यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर मॉनिटर करने के लिए अर्थक्वेक्स यानी जलजलों को, एंड स्टडिंग और पढ़ने के लिए रॉक फॉर्मेशन, चट्टाने किस तरह बनती हैं। यानी कि ये लॉर्ड साउंड्स होते हैं जो कि हमारे अर्थक्वेक्स को मॉनिटर करते हैं, और उसके अलावा रॉक्स वगैरह किस तरह से बनती हैं इसको स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। नंबर टू है, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सम एनिमल्स सच एज बेयर्स
एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस, ये डिटेक्ट किए जाते हैं बाय सम एनिमल्स, कुछ जानवरों से, सच एज जैसा कि वेल्स, एलिफेंट्स एंड डायनासोरस। जैसे हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा था कि उसको डॉग्स और बैट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इंफ्रासाउंड्स को डिटेक्ट करने वाले एनिमल्स हैं वेल्स, एलिफेंट एंड डायनासोरस। लास्ट एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। लाउडनेस, किसी कोई आवाज़ जो है वो कितनी ज़्यादा ऊंची है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड किसी डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द साउंड वेव कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड साउंड की डिपेंड करती है हाइट ऑफ द साउंड वेव, साउंड वेव्स की ऊंचाई पे, आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी के लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है कि साउंड की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर आप नेक्स्ट पिक्चर में देखें, साथ एक पिक्चर आपकी बुक में बनी है, मैं यहाँ पर आपको शो करती हूँ, यहाँ पर देखें, ये हमारी जो लाइन है ये हमें शो करती है कि हमारा साउंड इस लाइन पर नॉर्मल होगा, मीडियम साइज होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि हमारे साउंड की जो लाउडनेस है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसकी जो लाउडनेस की जो टॉप प्लेस होगी, ये वाली जो टॉप प्लेस है ये हमारी एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है। नॉर्मल प्लेस से यानी जहाँ पे नॉर्मल साउंड से सबसे ऊंचाई तक हमारी जो साउंड वेव्स आती हैं लाउडनेस की, वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर हमारा साउंड नॉर्मल था और यहाँ पर हमारा साउंड बहुत ज़्यादा लाउड था, इसकी जो ऊपर की हाइट है, नीचे से ऊपर वाली हाइट, इस हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, the greater the amplitude the louder the sound, this can be measured in decibels, the greater jitne zyada jitna bada hoga the amplitude, amplitude the louder itna uncha hoga the sound, yani ke hamara amplitude jitna zyada uncha hoga hamara sound bhi utna zyada louder hoga। jaise aap yahan par dekhen amplitude ki height kya hai, agar ye amplitude तो टूट की हाइट इससे ऊपर यहाँ तक होती तो हमारा साउंड इस वाले साउंड की निस्बत ज्यादा बुलंद होता, ज्यादा ऊंचा होता। ओके, दिस कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल्स। डेसिबल्स के बारे में भी हमने डिटेल में अपने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था। एम्पलीट्यूड को भी हम डेसिबल्स में ही मेजर करते हैं। पिक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पिक्चर में एम्पलीट्यूड के अलावा वेवलेंथ के बारे में बताया गया है। दो नोट्स यानी कि दो एम्पलीट्यूड की या दो क्रस्ट की आप कुछ भी ले लें, ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगा दो एम्पलीट्यूड के बीच का, दो नोट्स के बीच का, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। सेम वेवलेंथ नीचे भी होगी जो नीचे वालों के बीच का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, What is meant by pitch of sound? Pitch of sound का मतलब क्या होता है? The pitch of sound means how high or low sound is. कितना ज्यादा high और कितना ज्यादा low sound है? Pitch is measured by frequency. Pitch को हम frequency में measure करते हैं। Question number 2, differentiate between ultrasound and infrasound. Number 1, ultrasound. Sounds above 20,000 hertz are called ultrasound. पहले इसकी डेफिनेशन आएगी फर्स्ट डिफरेंस में। 20,000 hertz से जो ऊपर का साउंड है वो अल्ट्रासाउंड होगा। दूसरी साइड पे देखें इंफ्रासाउंड। Sounds below 20 hertz are called infrasound. 20 hertz से नीचे का साउंड हमारा इंफ्रासाउंड होगा। नंबर 2 पे यूजेज हैं। इट इज यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर ब्रेकिंग किडनी एंड गॉल स्टोन विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी। हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड को किडनी और गॉल स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए सर्जरी किए बगैर। शिप यूज मयरिंग द डेप्थ फॉर यूज फॉर मयरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर। शिप्स में ये
वाटर की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इंफ्रारेड के यूजेस हैं, इट इज यूज फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक्स एंड फॉर स्टडिंग रॉक फॉर्मेशन। अर्थक्वेक्स को मॉनिटर करने के लिए इंफ्रासाउंड्स को यूज किया जाता है और रॉक फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। नंबर 3, एनिमल्स के बारे में बताया है जो अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। बैट्स एंड डॉग्स कैन डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करने वाले एनिमल्स है बैट्स एंड डॉग्स। इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट करने वाले एनिमल्स, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय व्हेल्स, एलिफेंट्स एंड डायनासोरस। इंफ्रासाउंड्स को व्हेल्स, एलिफेंट्स एंड डायनासोरस डिटेक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द साउंड वेव कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दिस कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल्स। साउंड की लाउडनेस जो कि डिपेंड करती है साउंड वेव्स की हाइट पे, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड और इसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। सो क्लास, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। टुडे वी डिस्कस्ड पिच ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। ये टॉपिक्स हमने आज की रीडिंग में कवर किए हैं जो कि पेज नंबर 89 पे हैं। उसके अलावा हमने इस पेज से रेलिवेंट 3 क्वेश्चंस आज किए हैं। आई होप कि आप सबको वो सारे पॉइंट समझ आए हों जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, आपकी आज की 7 एक्स्ट्रा वर्क जो है आपने करना है, आपने देखना है कि इन एनिमल्स के अलावा बैट, डॉग, व्हेल्स वगैरह और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। यहाँ पर कम बताए गए हैं, बाकी आप खुद सर्च कीजिए, खुद बताएं। ओके क्लास, सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।